मुझे डर लग रहा है। अरे डर तो हमें लग रहा है मजनू के टीले की जादूगरनी तेरी हरकतें देख के। रास्ता क्लियर है गाइस, मेरी पूरी कोशिश रहेगी 19 दिन में आपको पटाने की। वो लौंडा अपना सर मुंडा के अग्नि को साक्षी मान के अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन तेरे साथ रिश्ता जोड़कर 7 जन्मों तक पाताल लोक में अपनी आत्मा को कैदी नहीं बनवाएगा। दिल्ली के बकचोदों में अपनी बकचोदी नेक्स्ट लेवल चलती थी तो होल्ड द क्राउड बिल्कुल हो जाता था। अरे यही तो किस्मत फूट गई दिल्ली की। किसी जमाने में कुतुबुद्दीन ऐबक की सल्तनत हुआ करती थी और आज ये 5-5 रुपए के विमल इलायची के पैकेटों की बकचोदी के चक्कर में बदनाम है। गोवा वालों के बीच में चल पाएगा? ये वही दिल्ली का टिपिकल कछुआ छाप ब्रांड लौंडा है जो गोवा जाके नारियल पानी बेचने वाले से गांजा मांगता है, अपनी रेंटेड थार को बीच पे चलाता है, फिर गोवा पुलिस से पूछता है और इसको लगता है कि बागा बीच पे जितनी भी रशियन है वो इसका मुखड़ा देखकर अपनी 2-पीस बिकिनी को फट से 1-पीस कर लेंगी। I've always been pretty much like a one-woman army. One-woman army नहीं है बहन, तू मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल महिला होमगार्ड है जो स्कूटी में से पेट्रोल चुराने वाली चरसी गंजेड़ी औरतों की धरपकड़ करती है। When people actually meet me and they're like, oh, you're so different, you know, you're so intelligent. हाँ, अपनी तारीफ खुद ही कर ले। समयपुर बादली की अनारकली कहता तो रणवीर सिंह भी है कि दीपिका पादुकोण उससे प्यार करती है और ऐश्वर्या मोहनराज भी अपने आप को कॉमेडियन बताती है, तो क्या हम उनके झूठ मान लेंगे? My name is Sakshi. I am a singer/songwriter. नाम तो तुम्हारा स्वाति है बहन, लेकिन ये जो तुमने अपने थोपड़े में फॉल सीलिंग की रेनोवेशन का काम कराया हुआ है, इसके चलते तुम्हारा नाम होना चाहिए चुनयुंग सुंगली फ्रॉम साउथ कोरिया, ना कि स्वाति फ्रॉम LA. I live life on my own terms. हाँ मिस ढाका इंटरनेशनल, तुम लाइफ अपने ओन टर्म्स में जी रही हो, क्योंकि ये जो तुम ताइवानी सर्कस की जापानी बंदरिया बनी घूम रही हो, ये एक इंसान अपने ओन टर्म्स में ही कर सकता है। घर वाले इस अग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस में साइन करके गारंटर तो कभी नहीं बनेंगे। हाय गाइस, मैं उशांत हूं। नेटफ्लिक्स बीइंग नेटफ्लिक्स, ट्रायल बाय फायर एंड कोहरा जैसे आउटस्टैंडिंग शोज देने के बाद ये लोग घबरा गए। यार ये क्या कर दिया हमने, ये नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, अपने को अच्छे शोज नहीं मांगता है। तो नेटफ्लिक्स ने अच्छे कंटेंट आइडियाज के गोल चक्कर से मारा एक यू टर्न और फिर सेंसिबल शोज के राइट टर्न से मार लिया एक लेफ्ट और जाके दे मारी अपने सिंघाड़ों की रेडी एक ऐसे क्रिंज शो में दैट नोबडी वांटेड नोबडी आस्क्ड फॉर इज लिटरली वर्स देन करी सुर का स्टैंड अप कॉमेडी जोक्स। और ये भयानक घड़ियालों के संभोग का चलचित्र देख करना आपको कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होगी, आपको होगी टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। सबसे बड़ा चूतिया कौन? मैं तो लाइक प्रॉपर सबसे बड़ा चूतिया कौन? ये सब मिलियन मिलियन फॉलोअर वाले लोग। सबसे बड़ा चूतिया कौन? सारे इन्फ्लुएंसर। सबसे बड़ा चूतिया कौन? सोशल करेंसी। चुतियाबे की चकाचौंध में जगमगाते जुगनू जैसे इस रियलिटी शो में भी आपको एग्जैक्टली बाकी के बेसिर पैर के धक्के खाते रियलिटी शोज की तरह देखने को मिलेंगे कुछ एटीट्यूड ज्यादा टट्टे भारी पर अकल कम एक्टर लौंडे जिनकी साली एक्टिंग है मिमो चक्रवर्ती जैसी पर एटीट्यूड है SRK जैसा। What do you do now? I act sometimes. बाकी का टाइम? बाकी का टाइम स्लीप। इन लज्जत पापड़ के पैकेट जैसे लौंडो के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के बेवकूफियां करती दिखेंगी कुछ ऐसी क्वांटम फिजिक्स में होम साइंस की ग्रेजुएट महिलाएं जिन्होंने कंटेंट के नाम पे बाल भूरे और टैलेंट के नाम पर अपने ब्लाउज छोटे करा रखे हैं। 1, 2, 3, 4 7, there's only one more. और देखने को मिलेगा इन सारी की सारी विटामिन बी यानी कि विटामिन बुद्धि में डेफिशिएंट भेड़ बकरी इन्फ्लुएंसर्स का चरवाहा एक ऐसा इनविजिबल होस्ट जो नेटफ्लिक्स वालों को लगा कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट बिग बॉस से चुरा लेते हैं, क्योंकि लोगों को तो तब पता लगेगा ना कि हमने ये कॉन्सेप्ट चुरा लिया है जब ये शो देखने के बाद उनको शो को गाली देने से फुर्सत मिलेगी। मैं हूँ इस ग्रुप का कभी नाइस कभी नॉट सो नाइस एडमिन, आप मुझे देख नहीं पाओगे सिर्फ सुन पाओगे। और फिर शो के अंदर एंट्री होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ छपरी फीमेल स्टडीज की गोल्ड मेडलिस्ट छपरन की, जो एक शाइनिंग एग्जांपल है एस्पायरिंग और अपकमिंग छपरी लड़कियों के लिए कि अगर तमीज और तहजीब को बेच खाया जाए और सेमी न्यूडिटी और वल्गैरिटी को तन मन से अपना लिया जाए तो सक्सेस की स्काई इज द लिमिट। सो गाइस प्लीज वेलकम जाहिर लड़कियों की राजमाता मल्लिकाए वाहियाती रोही रॉय। ओके माय नेम इज रोही। खुद की तो मैं फेवरेट हुई। हां खुद की फेवरेट तो होगी क्योंकि खुद के पाद में से तो किसी को बदबू आती नहीं है। क्या लग रहा है रोहित ने मेहनत नहीं करी, हार्ड इज द वर्क नहीं करा उसने ये सक्सेस पाने के लिए, तुम्हें क्या पता उसने दिन रात एक करके अपने पापा के श्राद्ध पे व्लॉग बनाया है। आज की वीडियो व्हाट आई ईट इन अ डे, बट ये थोड़ा सा अलग है बिकॉज़ आज मेरे पापा का श्राद्ध है। रोही ने इतनी बढ़िया रील बनाई है, इतना हार्ड वर्क करके रील बनाई है और उस रील का टॉपिक है कि कैसे किसी लौंडे के दम घोट दिया जाए अपने दो दो टन की झांगों के बीच में उसके गर्दन को फंसा के। आ जा
रोही को आती है कंटेंट आइडिएशन, एक लौंडे को पकड़ा हुआ है और उसके साथ चुम्मा चाटी वाली फुल वो चल रही है, फुल इंटीमेट रीले चल रही है, लेकिन कैप्शन जब तुम पढ़ोगे तुम्हारे को ये नहीं लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड है, उसका मेल बीएफएफ है वो, ये क्लियर कर देती है वो, ठीक है। डेडिकेशन टू वर्क लड़की का पूरा है क्योंकि ये लड़की डेडिकेटेड है, अपनी कोई भी रील हो चाहे उसका कोई भी टॉपिक हो उसके थंबनेल पे अपनी सेमी न्यूड फोटो इसने लगानी ही लगानी है, डेडिकेशन होती है ये। इतना हार्ड वर्क, इतनी डेडिकेशन, इतनी जबरदस्त इंटेलिजेंट रोहित, थकती नहीं क्या तुम? ये वाहियाती देखकर अपने बाल खींचने का मन कर रहा ना, मेरा भी किया था, लेकिन वो खींचने से पहले मैं तुम्हारे को एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ। विनोमो एक बहुत ही रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करके आप ट्रेडिंग की दुनिया में बना सकते हैं अप टू 90% प्रॉफिट। सारी की सारी ट्रांजैक्शंस बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, इजी वेरिफिकेशन है, 24/7 विड्रॉल है और साथ ही 1 मिनट कस्टमर सपोर्ट सिस्टम भी है। विनोमो में आप ट्रेड कर सकते हैं उसका FTT मोड यूज करके, या फिर एक नया मोड भी आया है जिसका नाम है 5ST, 5ST यानी 5 सेकंड ट्रेड, और दोनों ही मोड्स में आप बना सकते हैं अप टू 90% प्रॉफिट। वेब वर्जन में विनोमो के दोनों मोड्स अवेलेबल है, लेकिन अगर अभी आप इसको मोबाइल पे यूज कर रहे हैं तो वहां पे खाली FTT वर्जन अवेलेबल है। तो गाइस अभी मैं दिखाता हूं आपको एक ट्रेड करके। लॉगिन करने के बाद मैं अपने अकाउंट में हूं। सबसे पहले मैंने असेट चूज किया और मैंने अपना अमाउंट चूज किया 4000 का, और मैंने टाइम फ्रेम चूज किया 5 सेकंड का, एंड चार्ट देखकर मुझे लग रहा है अब जा सकता है, तो मैं अब प्रेडिक्ट करता हूं और देखते हैं गाइस क्या होता है। एंड यस आई विल। सबके लिए वेलकम बोनस है, ट्रांजैक्शंस पे कैशबैक है, मल्टीपल डेमो अकाउंट्स क्रिएट करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ थ्रू आउट द ईयर आप कंपीट कर सकते हैं बाकी ट्रेडर्स के साथ इन मल्टीपल चैंपियनशिप्स एंड टूर्नामेंट्स। तो गाइस जाओ जाके चेकआउट करो विनोमो को, एक्साइटिंग प्राइसेस जीतो और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना भी सीखो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लो। गोली से, लेकिन फैसुन भी तो करना है ना, तो 11.5 इंच की ईंटें बांध ली पैरों के नीचे, अब जिस हिसाब से तिलमिला के चल रही है ना, एक तिरछा कदम और ऐसी इसकी एड़ियां चटकेंगी कि इसने मंगलापुरी फैशन वीक का कैटवॉक जो लगा रखा है ना वो छोड़ के सफदरजंग हॉस्पिटल में विकलांग कोटे का कार्ड बनवाना पड़ जाएगा। सोचता हूँ कि अपने आप को कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट में डाल दूँ। अपने आप को एक्सपेरिमेंट में डाल दूँ? अबे ओखला मंडी के ओपनहाइमर, तू अपने आप में ही एक रेडियो धर्मी एक्सपेरिमेंट है जिसका कंटेंट कोई इंस्टाग्राम पे अगर देख लेना तो 3 दिन में मोतिया के लक्षण हो जाए उसकी आंखों में। मैं तो लाइक प्रॉपर इन्फ्लुएंसर ही हूँ, मतलब झूठ बोलता है, इन्फ्लुएंसर नहीं है तू बेटा, अफ्रीकी सांडे के तेल के तस्कर तू है, एक झोला छाप चूरन छाप स्कैमर जो मासूम लोगों को इंस्टाग्राम पे रीले बना बना के पागल बना के बेचता है, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक, कंप्लीटली अनरेगुलेटेड हेयर ग्रोथ की गोलियां, हाइट बढ़ाने की गोलियां, रंग को गोरा करने की गोलियां। mrithulmadhu.in पे विजन गेन टैबलेट्स मिल जाएंगी जिससे चश्मा उतर जाए, पानी में स्लिम फिट कैप्सूल्स हैं हमारी, ये एब्स वैब्स उसी से आई, ये मिलता है डैम गुड पे mrithulmadhu.in पे, हाइट ग्रोथ कैप्सूल्स। पता नहीं मतलब वो क्लिक नहीं हुई वो लड़की, क्लिक नहीं हुई वो लड़की। अबे बांग्लादेशी फिल्मों के ब्रैड पिट, क्लिक कॉपी पेस्ट तो वो लड़की तेरे साथ तब होगी ना जब उसकी फर्राटेदार अमेरिकन इंग्लिश तेरे सर्वोदय विद्यालय की बुद्धि में घुसेगी। ना मेरे को दूर से लगता ओ वाओ, बट वो ओहो ऐसी वाली रिएक्शन में कन्वर्ट होगी। अबे तू कहां पहाड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में मिलने वाली नकली गांजे की पुड़िया, और वो लड़की कहां प्योर कोलंबियन कोकेन, तू कहां रिएक्शन इंटरेक्शन की गणित करने बैठा हुआ है यहां पे, तू अपनी वो कब्जी टट्टी ठीक करने की नकली दवाइयां बेच रहा है इंस्टाग्राम पे। ऐसा कर रहा हूं जब मैं तो बुरा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि मैं चोर हूं। हां बेटा बिल्कुल लगेगा भी नहीं कि तू चोरी कर रहा है क्योंकि तूने अपना इंस्टाग्राम कंटेंट बनाने के लिए यहां वहां से सालों तक इतनी चोरी करी है कि भाई मृदुल तू अब बन गया है चोरी चकारी का ODI प्लेयर, और इस शो के अंदर छोटी मोटी चोरी चकारी करना तो तेरे लिए गली क्रिकेट है। अभी तुम्हारा मूड और खराब करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूं कि ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पे इस हफ्ते आया है अंकित, ओनली देसी वाला, भरो मांग मेरी भरो वाला, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी रिव्यूअर्स दैट आई एवर हैड द प्लेजर टू टॉक विद। उसका ट्रेलर देखो और जाके ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को चेकआउट करो, मजा आ जाएगा। मेरे वीडियो को कोई लाइक नहीं करता गाइस, क्या करूं गाइस, मेरा काम ही था कि गाली खाना है। तेरे को पता है ना तेरी कच्ची खांसे पटी है तो बहन उसको सिलना। रोज का यही काम होता है, जाओ गाली खाओ और घर आ जाओ। भाई वो उसका ब्लाउज खींचेंगे तो उसकी क्लीवेज दिखेगी ना, मैंने उनमें यही वीडियोस उतार के दिखाई और उसको एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया बहन।
That brings me back those struggling days when I started off as an actor. अच्छा, those struggling days तो तू ऐसे बोल रहा है जैसे मुगले आजम का रीमेक तूने साइन कर लिया और बेस्ट एक्टर कैटेगरी में ऋतिक के साथ आईफा अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हो. तू अभी भी स्ट्रगलिंग ही है क्योंकि अगर नहीं होता ना तो ये गांडू जोड़ो यात्रा में कैप्टन गुरुग्राम बने धक्के ना खा रहा होता. मुझे ये घूमते हुए दिख गई ना रोहित. पापी ताता बिच्चू. हाँ, ज्यादा खुश मत हो, 50% ऑफ कार्तिक आर्यन. अगर वो पापी गुड़िया है ना तो तू भी राम से ब्रदर्स की सीक्रेट हॉरर फिल्मों वाला वो हीरो है जिसकी बंदी के साथ भूत रात को भेष बदल के झिंगा लाला हू कर जाता है. मुझे लग गया मैं नहीं रह पाऊंगी और वो भी सारे इन्फ्लुएंसर्स. यार मुझे इन्फ्लुएंसर्स नहीं पसंद. मैं तो नहीं रह पाऊंगी. अरे श्रापित एनाबेल गुड़िया, तू अपनी छोड़, उनकी सोच जो तेरे साथ घर में रह रहे हैं उनको रोज महामृत्युंजय का यज्ञ करना पड़ रहा है तेरे आसपास जीवित रहने के लिए. तो भैया इस पूरे के पूरे जमाल गोटे के मैंगो शेक जैसे शो का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था और वो कॉन्सेप्ट ये है कि तुम्हारे को क्या करना है कॉन्सेप्ट जान के. इसमें जो अध पगले कंटेस्टेंट है उन्हीं को नहीं पता कॉन्सेप्ट क्या है. एक घर में इन सारी की सारी गुम चोटों को बंद कर दिया, आपस में लड़ते रहते हैं, कोई टास्क आ जाता है वो बीच में घड़े वाला सा एडमिन है उसकी आवाज आ जाती है, वो बिग बॉस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है. फिर चार पांच बार रोही राय हंसती है, ऐसा लगता है इसको भूत चढ़ गया है. रोही राय जैसे ही वो एक वो चिंग चुंग सुंगली है जो अपने आप को स्वाति बोलती है लेकिन वो है चिंग चुंग सुंगली और वो कुछ आगे बात करती है इंग्लिश में जो मधोक को समझ नहीं आता. मधोक अपने लेप निकाल लेता है जो वो करता है, वो कुत्ते बिल्ली का इलाज लेप जो इंसानों को देता है, वो ऐसा ही कुछ चल रहा होता है. मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तुम्हें तो गाली बकनी है, तुम गाली बको यार. पूरे पूरे शो में मुझे वाग्मिता और वो ना नहाया हुआ गंदा सा गरीब सा स्टैंड अप कॉमेडियन थोड़े से सेन लोग लगे और मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूं कि अगर कल को मेरे को ऐसा शो ऑफर होगा तो मैं पैसों के लिए जाऊंगा इन पागल कुत्तों के बीच में. तो भैया ये था मेरा रिव्यू ऑफ जो भी शो का नाम है. मेरे को तो हो गई मेंटल एग्जॉस्टन. रोही राय को देखने के बाद ना मुझे 3 रातों से सपने आ रहे हैं कि वो बाल खोल के मेरे सपनों में मेरे को ऐसे ऊपर से नीचे देख रही है अपने गाल भुला के. तो सोचो मेरे पे क्या बीत रहा होगा. मैं जा रहा हूं अब ओपनहाइमर और बवाल का रिव्यू आएगा कल. तब तक के लिए मामा मियां लजान्या पप्पी बाय बाय. ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को चेकआउट करना मत भूलना. ओनली देसी भाई साहब वहां पे आए हैं, मस्त बातें हुई हैं. बाय बाय. तो बस आज इन्हीं अध पगली भैंसों को लगाएंगे बेहोशी के टीके ऑनेस्टली सेइंग में.